हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे के किचन में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही चटपटी रेसिपी जो कि आपको इतना पसंद आएगा कि घर में सभी आपकी तारीफें करेंगे। और ये आप एक बार बनाइएगा तो बार बार इसी को बनाने की फरमाइश भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक पत्ता गोभी लिया है, छोटा सा है ये बिल्कुल। इसको हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और अब इसको हम बारीक बारीक जो है कट कर देंगे। बिल्कुल आराम से इसको पतला पतला आप कट कर लीजिए। दोस्तों, जब हम ये रेसिपी अपने घर में बनाए थे ना, तो सब पहले तो सभी ने कहा नहीं नहीं खाएंगे, और जब खाने लगे तो फिर उन्होंने मांग मांग के सारी बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दी। तो इसलिए ये आप रेसिपी बनाइए और फिर टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप बताइए कि हाँ ये कैसा बना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हमने पतला पतला कट कर लिया है और अब इसको हम अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे लो फ्लेम पे, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और एक करीब आधा चम्मच हम इसमें मेथी के दाने डाल देंगे। थोड़ा सा मेथी के दाने चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, कुछ सेकेंड इसको भी भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो है पत्ता गोभी जो हमने कट करके रखा है, वो सारा पत्ता गोभी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, सारा पत्ता गोभी हम अच्छे से इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम मिला देंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक कप जो है पानी, और जब ये पानी उबाल आ जाए इसको हम मिला देते हैं। जब इसको ढक के पकाएंगे, पानी जब उबलने लगेगा तो हम गैस का फ्लेम जो है लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि पत्ता गोभी अच्छे से पक न जाए। तो देखिए, हम टेस्ट देख लेते हैं कि पत्ता गोभी पक गया है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसको एक अलग प्लेट में हम फैला के रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। करीब 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम इसको पलट देंगे, और इसके बाद हम इसको बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए, ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है, दरदरा सा, बस इतना ही इसकी जो है इसको पीस के रखना है। तो अब हम पैन चढ़ाएंगे दूसरा, उसमें 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे, फिर हम आधा चम्मच जो है चने की दाल डालेंगे और आधा चम्मच उड़द की दाल डाल देंगे। और उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें ये काला और पीला दोनों मिक्स सरसों हमने डाल दिया है, और इसके बाद हम 1 लाल मिर्ची डाल देंगे। और अब हम इसको चटकने देंगे, तब तक फैलाएँ इसको भूनेंगे। तेल जरा ज़्यादा गर्म हो गया था तो हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। और अब इसमें हम ये करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नया नया भी निकला है, इतना ही छोटा छोटा है, तो इसको हम डाल देते हैं, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हमने इसको मिला दिया है, ये देखिए चिटकने लगा है, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर निकल के गिर गया है उड़ के, तो हम इसको डाल देते हैं इसमें। और इसके बाद जो हमने मिक्सी जार में जो पीस के रखा है पत्ता गोभी, उसको भी हम इसमें मिला देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको चला देते हैं ताकि ये जले नहीं। और चलाने के बाद हम जो मिक्सी जार में अभी भी लगा हुआ था, हम थोड़ा पानी डाल के इसको इसमें डाल देते हैं। अभी भी लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसको इसमें गिरा देते हैं। और इसके बाद हम इसको तब तक पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अभी, जब तक कि ये जो है पानी इसका पूरा सूख ना जाए, तब तक हम इसको पका लेंगे। और ऐसे चलाते रहेंगे बीच बीच में ब्रेक दे करके। और ये देखिए, ये जो चटनी है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसके बाद हम इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। आप चाहे तो आमचूर का पाउडर या फिर इमली भी थोड़ा इसमें डाल सकते हैं इसके बदले। हमने इमली इसमें डालने चाहें तो डाल सकते हैं, हमने इसमें नींबू डाला है 1। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको हम कटोरी में पलट देते हैं ताकि जब सभी लोग खाएंगे उस वक्त हम इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए, ऊपर से हमने 1 करी पत्ता और रख दिया है,
और देखिए बहुत ही लाजवाब बनी है दोस्तों। ये चटनी वाकई में बहुत ज़बरदस्त थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए नए वीडियो लाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आप इसको बना के खाइएगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।